खास समाचार, नहर से बच्चे का मिला शव, नए थाना प्रभारी कविता ने संभाला चार्ज, नाबालिग युवती को भगाने का आरोपी गिरफ्तार, अक्षतर में मंगलवार को हुई बरसात सहित अनेक समाचार भट्टू कलां खबर पिटारा में, देखते रहे सूचना पल पल। भट्टू कलां फतेहाबाद ब्रांच नहर में डूबे बच्चे का शव बरामद। भट्टू कलां में फतेहाबाद ब्रांच नहर में रविवार को डूबे 11 वर्षीय बच्चे का शव मंगलवार को नहराना गांव के समीप नहर से मिल गया। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम करवाए शव का दाह संस्कार कर दिया। ज्ञात रहे कि भट्टू कलां के प्रतापनगर निवासी उमेद सिंह का 11 वर्षीय पुत्र प्रिंस फतेहाबाद ब्रांच नहर में पांव धोते समय रविवार को पैर फिसलने के कारण गिर गया था। परिजनों ने उसे तुरंत नहर में ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन बच्चा गहरे पानी में कहीं दूर बह गया। परिजन लगातार नहर पर बच्चे के शव की तलाश में लगे रहे और मंगलवार को सुबह बच्चे का शव नहराना के पास नहर से बरामद हो गया। भट्टू कलां पुलिस ने नाबालिग लड़की को भगाने के आरोपी को किया गिरफ्तार। भट्टू कलां अक्षतर के एक गांव से एक नाबालिग लड़की को लेकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं लड़की को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। नाबालिग लड़की के भाई के बयान पर पुलिस ने आरोपी विनोद निवासी धांसू के खिलाफ 23 जनवरी 2021 को मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को भट्टू कलां बस स्टैंड से मंगलवार को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363-366 के तहत मामला दर्ज किया है। भट्टू कलां थाने की नई थाना अध्यक्ष कविता ने संभाला चार्ज। भट्टू कलां थाने की नवनियुक्त थाना अध्यक्ष कविता ने सोमवार को चार्ज संभाल लिया। वे 2 माह के लिए भट्टू कलां थाना में बतौर ट्रेनिंग पर हैं। पुराने थाना प्रभारी ओम प्रकाश चुग भी इस दौरान थाने में कार्यरत रहकर नए थाना अध्यक्ष को कामकाज के बारे में गुर देंगे। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में नई थाना अध्यक्ष ने कहा कि वे अक्षतर में चोरियों की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की गश्त बढ़ाएंगी। उन्होंने कहा कि नशा रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। नशे से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुलिस पब्लिक का आपस में तालमेल होना बेहद जरूरी है। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लोगों को जागरूक होकर पुलिस का साथ देना चाहिए। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में लगातार पुलिस आपराधिक गतिविधि करने वालों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है और उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाकर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है, ताकि आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। भट्टू मंडी क्षेत्र से एक युवती के लापता होने पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। भट्टू मंडी क्षेत्र से एक युवती के लापता होने पर उसकी माता ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने मंगलवार को गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। पुलिस को दी शिकायत में उसने बताया कि 18 जुलाई को प्रातः 8 बजे उसकी पुत्री उसे बिना बताए कहीं चली गई। उसने अपने स्तर पर उसे तलाशने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। युवती की माता के बयान के आधार पर पुलिस ने धारा 346 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भट्टू कलां क्षेत्र से एक गांव की युवती लापता, पुलिस ने किया मामला दर्ज। भट्टू कलां क्षेत्र के एक गांव से युवती के लापता होने पर पुलिस ने युवती के पिता के बयान पर मंगलवार को गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है। 21 वर्षीय युवती के पिता ने पुलिस को दी सूचना में बताया कि 19 जुलाई को प्रातः 5 बजे उसकी पुत्री बिना कुछ बताए कहीं चली गई और वापस नहीं आई। उन्होंने अपने स्तर पर उसे तलाशने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने इस मामले में धारा 346 के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनगांव में पौधगिरी अभियान के तहत किया गया पौधारोपण। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनगांव में मंगलवार को पौधगिरी अभियान के तहत स्कूल प्रांगण में स्टाफ व विद्यार्थियों द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल अनिता रानी ने बताया कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। ये हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कार्यक्रम अधिकारी वोकेशनल ट्रेनर एग्रीकल्चर सुमित कुमार ने बताया कि 150 पौधे बड़ोपल नर्सरी से लाए गए, जिसमें से 50 छायादार पौधे स्कूल में लगाए गए तथा 100 फलदार पौधे विद्यार्थियों को घर में लगाने के लिए वितरित किए गए। इस अवसर पर महावीर, मनोहर, सुरेंद्र, कविता, अंजू, प्रियंका, सुरजीत, सोनिया, सुमित, मदन, पिंकी, मोहित, सतीश, रमेश ढाका सहित अनेक स्टाफ सदस्य मौजूद थे।
बट्टू मंडी में हल्की बरसात के बाद ही मंगलवार को हो गया जलभराव। बट्टू मंडी में बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या ज्यों की त्यों बरकरार है। यहां मंगलवार को हल्की बरसात होते जलभराव हो गया। बट्टू मंडी स्थित फतेहाबाद रोड पर पानी निकासी न होने के चलते यहां यह रोड बरसात के दिनों में तालाब बनकर नजर आता है। इस बरसाती पानी की निकासी को लेकर हाल ही में यहाँ रिचार्जेबल बोर भी करीब 1 लाख रुपए की लागत से बनाया गया, लेकिन यहाँ लगाया गया यह पैसा भी यहाँ व्यर्थ होता नजर आ रहा है। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार हैं, जहां से आने जाने वाले लोगों का तांता लगा रहता है, लेकिन बरसात के दिनों में यह रोड पानी से लबालब होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मंगलवार को हुई इस बरसात से अक्षेत्र के किसानों ने भी राहत की सांस ली। फसल के लिए किसानों को काफ़ी लंबे समय से बरसात का इंतजार था। आखिरकार इंद्रदेव मंगलवार को प्रसन्न हुए तो किसानों की फसलों को भी इस बरसात का फायदा पहुंचा।